आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। इटावा की बात करते हैं। बाइक सवार दो लुटेरे देव पुत्र जय सिंह और साहिल पुत्र प्रमोद कोकपुरा निवासी को पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से 8 स्मार्टफोन, 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस, 1 चाकू बरामद। लुटे हुए मोबाइल को कृष्णा दीक्षित पुत्र राम मूर्ति निवासी इट गांव खरीदने के बाद नए ग्राहकों को बेचने का काम करने वाला भी गिरफ्तार। जसवंत नगर थाने से एक लूट का मोबाइल भी हुआ बरामद। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का है मामला। दो दिन पहले इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी और जसवंत नगर थाना क्षेत्र में कुछ मोबाइल लूट की घटनाएं हुई थी। पुलिस द्वारा इनका अनावरण किया गया है। 8 मोबाइल बरामद हुए हैं। 3 मोबाइल के लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी द्वारा। इसमें से जो 2 लड़के हैं कोकपुरा के रहने वाले हैं, साहिल और देव, इन दोनों के द्वारा लूट की घटना अंजाम दी जाती थी। और एक गांव का है लड़का, वो उसे बेचने का काम और उससे बेच करके पैसे उगाहने का काम करता था। इन तीनों की जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इन्हें आज ही गिरफ्तार करके बरामदगी करके जेल भेजा जा रहा है। और भी साथी इनके हो सकते हैं? अभी हम लोग और चीज़ों को पता कर रहे हैं, वो अभी बताया जाना जल्दबाजी होगी। इसका फॉलो अप हम लोग कर रहे हैं।